हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम मज़ेदार रेसिपी लेकर आए हैं, टमाटर, आलू, करी पत्ता, शिमला मिर्च और प्याज बारीक कटा हुआ। देखिए, सबने हमने बारीक बारीक काट लिया है। इधर हम बाउल लिए हैं, बाउल में आधी कटोरी हम सूजी ले रहे हैं, उसी कटोरी से आधी कटोरी हम बेसन ले रहे हैं, दोनों आधा आधा हमने लिया है। इसमें हम अजवाइन डाल रहे हैं, आधा चम्मच दरबरा कुटा हुआ लाल मिर्च, आधा चम्मच हम ले रहे हैं चाट मसाला, देखिए आधा चम्मच है, कस्तूरी मेथी, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से पहले हम मिला ले रहे हैं। नमक अभी हम नहीं डालेंगे, नमक बाद में डालेंगे। तो इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला रहे हैं। देखिए, इसका गाढ़ा हमको घोल तैयार करना है। ये देखिए, इसको हम अच्छी तरीके से मिला लिए। इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर डाल रहे हैं, हरी सब्जी शिमला मिर्च, कद्दूकस किया एक आलू है। आप चाहे जो भी सब्जी डाल सकते हैं, या तो आलू से भी बना सकते हैं। बारीक कटा हुआ प्याज एक लिए हैं, जो आपकी सब्जी पसंद है वो सब्जी भी डाल सकते हैं, या तो आलू से ही बना सकते हैं। इसको पहले अच्छी तरीके से हम मिलाएंगे। इस तरीके से इसको देखिए मिला रहे हैं। इसमें हम पानी डालेंगे, तो हमने आधी आधी कटोरी लिया था सूजी और बेसन, तो उसी कटोरी से हम दो कटोरी पानी डालेंगे। लगभग पानी हमको ज़्यादा डालना है। तो देखिए, इस तरीके से हम इसको मिला रहे हैं। ये देखिए, अभी गाढ़ा है, तो पानी इसमें और डालेंगे। हम दो कटोरी पानी डाले हैं इसमें, हम उसी कटोरी से। और इसमें स्वाद अनुसार हम नमक डाल देंगे। पहले हमने नमक नहीं डाला था, ज़्यादा या कम हो सकता है। अब इसमें बारीक धनिया और लहसुन की पत्ती डाल रहे हैं हम, हरा। ये देखिए, घोल इसका तैयार हो गया है। देख लीजिए, मीडियम साइज़ का घोल है। इसको हम ढक देते हैं, 10 मिनट सेट हो जाए। देखिए, लगभग 10 मिनट हो गया। तो खोल के देखने, इसको अच्छी तरीके से हम मिला ले रहे हैं। ये देखिए, ये हल्का सा फूल आया है, सूजी उजी इसमें सेट हो गया है। अब इधर हम पैन रखें, गरम हो रहा है। इसमें हम दो चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, जीरा आधा चम्मच। इसको ब्राउन होने देते हैं। उसके बाद करी पत्ता डाल दिए हैं 5 से 6, दोनों हल्का सा ब्राउन हो जाए, अच्छी तरीके से पक जाए। इसमें जो घोल डाले हैं पूरा, देखिए हम उसको पलट रहे हैं इसमें। देखिए, हम घोल पलट दिए हैं। अब इसको हम इस तरीके से बराबर चलाते रहेंगे, मीडियम गैस करके। गैस हमको तेज़ नहीं करना है, नहीं तो जल जाएगा। इसको इस तरीके से हमको बराबर चलाना है, नहीं तो पकड़ लेगा, जब तक ये सूख ना जाए। और सारी सब्जियां इसमें अच्छी तरीके से पक भी जा रही हैं। ये देखिए, सूख गया है इस तरीके से, एकदम सूखा सूखा हो गया है। हमने बराबर चलाते हुए इसको सूखा कर लिया है। ये प्लेट में हल्का सा हम ऑयल लगा दे रहे हैं, ताकि चिपके ना। इसमें हम इसको पलट रहे हैं प्लेट में, देखिए इस तरीके से हम पलट ले रहे हैं पूरा। अब इसमें कटोरी में हल्का सा तेल लगा के ऐसे ऊपर से इसको प्रेस करेंगे, हल्का चिकना हो जाए। और इसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए। ये देखिए, प्रेस कर दिए हैं। अब ये रख देते हैं, थोड़ा ठंडा हो जाए, तब इसको हम, ये ठंडा हो गया है, इसको हम चाकू से इस तरीके से पीस पीस में कट कर ले रहे हैं। देखिए, मीडियम साइज का पीस हम इसके कट कर लिए हैं। ये देखिए, ये देखिए, पीस एकदम सूखी सूखी हुई हो गई है। अब इसको हल्का हम तेल डालेंगे, ज़्यादा तेल में नहीं छानेंगे। ये देखिए, ये तेल हमने डाल दिया है। इसको तेल गरम है मीडियम, इसमें एक एक पीस इस तरीके से हम डाल रहे हैं।
ये देखिए पीस हमारा बहुत ही अच्छा बना है, खाने में इतना स्वादिष्ट आता है, अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से कुरकुरे। ये देखिए पलट दे रहे हैं हम इसको। इसको चारों तरफ हम अच्छे से फ्राई कर ले रहे हैं ताकि ये कहीं से कच्चा ना रहे। ये देखिए एकदम करारे बन के तैयार हो गए हैं, क्रिस्पी। इसको हम प्लेट में निकाल रहे हैं। ये इतना स्वादिष्ट नाश्ता होता है कि आपका मन करेगा दिन भर खाते रहिए। एक बार आप बना लीजिए तो इसको हफ्ते भर रख के गर्म करके जब खाने का मन हो खा सकते हैं। ये ख़राब नहीं होगा, फ्रिज में आप रख सकते हैं। ये हमारा तरीका अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सभी भाई बहनों को नमस्कार और धन्यवाद।